इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय फ्रेंड्स ऑफ एमपी कंक्लेव का गुरुवार शाम समापन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को सफल बताया और उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में विदेश में बसे मध्य प्रदेश के उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश करेंगे, साथ ही साथ निवेश संबंधित संभावनाओं और गुंजाइशों को लेकर सरकार के साथ साथ अपने विचार भी साझा करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए उन तमाम सारे बिंदुओं को बताया जिस बारे में इस समिट में प्रस्ताव पास हुआ। मुझे बता दी खुशी है कि 23 देशों के लगभग 300 मिलियन है इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। दिन भर के 17 अपने देखे, लेकिन सबसे चर्चा के बाद दिए गए सुझाव के आधार पर इस कॉन्फ्रेंस में कुछ फैसले हमने किए। एक बार देश में कई तरह की समस्याओं का सामना कर संभव नहीं होता, कुछ चीजों को बार बार यहां आए। उसे एनआरआई सेल बनेगा और ये एनआरआई सेल सिंगल विंडो के आधार पर एनआरआई की समस्याओं का समाधान। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इस सम्मेलन के बाद उम्मीद जताई कि मध्य प्रदेश में शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में विदेश में बसे लोगों द्वारा निवेश किया जाएगा और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के साथ अब उद्योग के मामले में प्रदेश फिर से नई तरक्की के सोपान रचेगा। और से टैलेंट पूल बनाया जाएगा। आज जो प्रतिनिधि थे उनमें से और इसके आधार पर मिलेंगे तो टैलेंट पूल में हम लेंगे। उस टैलेंट पूल में अलग अलग विशेषज्ञता के आधार पर कुछ लोगों को हम विभागों से हमारे डॉक्टर डॉक्टर है जो बहुत अच्छे, वो चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ सकते हैं, प्रोफेसर से उनकी शिक्षा विभाग से शिक्षा विभाग से जुड़ सकते हैं। इनोवेटिव आइडियाज है तो हम उद्योग विभाग से, इन्वेस्टमेंट का विचार है तो उद्योग विभाग से जोड़ सकते हैं। विशेषज्ञता के आधार पर अलग अलग विभागों से कॉन्टेक्ट करने का काम करेंगे। फिर एक सुझाव आया था फ्रेंड्स ऑफ एमपी के चैप्टर से स्थापित किए जाने चाहिए अलग अलग देशों के अलग अलग नगरों। तो फ्रेंड्स ऑफ एमपी के चैप्टर स्थापित किए जाएंगे, उनको अधिकृत भी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑफ एमपी की गतिविधियां अपने शहर में चलाएं। फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट के दौरान कई ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने प्रदेश में अच्छा काम किया है, उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा टैलेंटेड इंडिया की टीम से खास बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि जिस तरह से इंदौर में लगातार मेजबानी का प्रतिसाद मिला है, उसी तरह के अन्य आयोजन भी आने वाले दिनों में इंदौर में आयोजित होते रहेंगे। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि जितने भी मेहमान इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, उन्होंने इस सम्मेलन को लेकर प्रसन्नता जाहिर की है। इंदौर और आसपास के पर्यटन के क्षेत्रों को लेकर आने वाले दिनों में और भी ऐसे कार्य किए जाएंगे जिससे कि प्रदेश का नाम विश्व स्तर पर आगे आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।